यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता, जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। तिमिथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2 वाक्यांश 1-6। ईश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों को मुक्ति मिले। मैं सबसे पहले अनुरोध करता हूं कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं तथा अधिकारियों के लिए, अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांति जीवन बिता सकें। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी है, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य जान जाएं। क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के बीच केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात यीशु मसीह, जो स्वयं मनुष्य है और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया है। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया, उनसे यीशु ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं, हम कभी किसी के दास नहीं रहे। आप क्या कहते हैं, तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे कहे देता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र होगे। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमें अनंत जीवन प्रदान करें।
आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, आज के दिन के लिए, आज के दिन के जीवन लिए, के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा, आज के वचन के द्वारा मुझे स्वतंत्रता प्रदान कीजिए, मुझे स्वतंत्रता प्रदान कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे इन वचनों को, मुझे इन वचनों को समझने की, समझने की कृपा प्रदान कीजिए, कृपा प्रदान कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में हमने सुना संत पौलुस तिमोथी को लिखता है पहले पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 1 से 6 में कि ईश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों को मुक्ति मिले। ईश्वर मेरे और आपके कल्याण के विषय में हमेशा सोचता है। नबी सफन्या के ग्रंथ अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं पद संख्या 18 में कि परमेश्वर मेरे और आपके कारण आनंद मनाता है। उसका वचन कहता है कि वह मेरे और आपके कारण आनंद विभोर हो उठेगा। इतना ही नहीं, वह हमारे कल्याण की बातें सोचता है। इसलिए वही ईश्वर जो हमसे प्रेम करता है, वही ईश्वर जो हमसे मोहब्बत करता है, वो ये चाहता है कि मेरा और आपका कल्याण हो, मैं और आप पाप की दासता से आजाद होकर हम मुक्ति प्राप्त कर सके। और आज संत पौलुस तिमोथी को लिखता है और यह कहता है कि मैं सबसे पहले अनुरोध करता हूं कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं तथा अधिकारियों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे कि हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ शांत जीवन बिता सके। क्या हमने अपने जीवन में कभी ऐसा अनुभव किया है कि हमारे जीवन में कष्ट क्यों है, अशांति क्यों है? और यहां परमेश्वर मेरे और आपकी शांति की बातें करता है कि हम निर्दोष जीवन बिता सके, पाप की गुलामी में ना रह सके और हम आजाद रहें। और ये आजादी हमें कब मिलेगी प्रियजनों? ये आजादी हमें केवल और केवल यीशु मसीह दे सकता है। ये आजादी केवल परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह, जिसने मेरे और आपके लिए अपने जीवन को निछावर कर दिया, वही हमें ये आजादी दे सकता है। प्रियजनों, बाइबल हमें बताती है, अफेसियों के पत्र में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन हमें बताता है कि हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं, हमारी लड़ाई तो आकाश की दुष्ट आत्माओं से है, हमारी लड़ाई तो इस अंधकार में लोगों के साथ है। प्रिय भाइयों और बहनों, हमें निरंतर संघर्ष करना पड़ता है अपने जीवन की कष्टदायी परिस्थिति से और अपने जीवन में जो तमाम समस्याओं से होकर हम गुजरते हैं, दिन रात हमें उनका सामना करना पड़ता है। और ऐसी परिस्थिति में प्रभु का वचन हमें आशान्वित करता है और बताता है कि ईश्वर यह चाहता है कि मेरा और आपका कल्याण हो, हम स्वतंत्रता का जीवन बिताएं, हम पाप के गुलाम न रहें, हम प्रभु के साथ रहकर हम उसकी महिमा में और शांति में जीवन बिताएं। तो आज प्रभु यीशु हमें आजादी देने की बात करते हैं और इस आजादी और स्वतंत्रता का मतलब समझने में हमारी सहायता करते हैं। वचन में हमने पढ़ा संत योहन के सुसमाचार में कि सत्य हमें स्वतंत्र बनाता है। सत्य क्या है? परमेश्वर सत्य है प्यारे भाई और बहनों, और ईश्वर का वचन जो उसके मुख से निकला हुआ है वह सत्य है, जैसा कि बाइबल योहन के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 17 में हमें बताती है। बाइबल हमें बताती है कि शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच में निवास किया,
और वह शब्द स्वयं प्रभु यीशु मसीह है और वही सत्य है। प्रियजनों, जब यीशु मसीह पिलातुस के सामने खड़ा था तो पेत्रुस ने सत्य जानने की कोशिश नहीं की, वो तुरंत अंदर चला गया और उसने अपने हाथ धो लिए और यीशु मसीह को लोगों के हवाले कर दिया। वो सत्य को जानना नहीं चाहता था, वो सत्य को सुन नहीं सकता था, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है। तो यीशु हमें सच्ची स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और दूसरी ओर जो ईश्वर के वचन का तिरस्कार करता है वह पाप करता है और वह पाप उसे शैतान का दास बना देता है। और जब इंसान शैतान का दास बन जाता है तो वह पाप में फंस जाता है और सच्ची स्वतंत्रता से वो बहुत दूर चला जाता है। सच्ची स्वतंत्रता पाप से मुक्ति का अनुभव है। आज यदि आप जानना चाहते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता या सच्ची आजादी क्या है, तो आध्यात्मिक जीवन में हमें इस बात को यह समझाती है कि सच्ची स्वतंत्रता पाप से, बुराई से, हर विषम परिस्थिति से आजादी। जब हम अपने जीवन में बुराइयों से, हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार की ईर्ष्या और द्वेष से मुक्ति पा जाते हैं तो हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं। तो प्रभु कहता है हमें ना केवल पाप की क्षमा बल्कि पाप से वास्तविक स्वतंत्रता की आवश्यकता है। इंसान पाप करता है और ईश्वर से जाके अपने गुनाहों की माफी मांगता है। आमतौर पर जब हम एक दूसरे को ठेस पहुंचाते हैं या बुरा भला कहते हैं और जब हमें ये आभास होता है कि हमने गलत किया है तो हम जाकर सॉरी बोलते हैं या उससे क्षमा मांगते हैं। और जब हम क्षमा मांग लेते हैं तो प्रियजनों, हमारे जीवन में आनंद और शांति आने लगती है। जब कोई व्यक्ति पाप से सच्ची मुक्ति का अनुभव करता है तब वह काम वासना से किसी महिला पर दृष्टि नहीं डालता, लेकिन जब तक वो काम वासना के वश में है तब तक उसकी नजरें दूसरों को जब देखेंगी तो उनके मन में काम वासना उत्पन्न होती रहती है, चाहे वो दूसरों की धन संपत्ति हो या फिर किसी भी दूसरे व्यक्ति का कोई भी वस्तु जो उनके पास है। तो दूसरों की संपत्ति पर बुरी नजर डालना भी हमें, प्यारे भाइयों और बहनों, एक ऐसी ही लोभ लालच की वासना से प्रेरित होती है। इसलिए प्रभु हमें चाहता है कि आज मैं और आप इस बुराई से, इस पाप से और इसकी गुलामी से हम आजाद हो जाएं, हम सत्य को पहचानें और हम स्वतंत्र हो जाएं। और सत्य हमें आजाद करेगा, हमें मुक्ति प्रदान करेगा। आप लोगों का प्रेम, प्रभु कहता है, निष्कपट हो। आप बुराई से घृणा तथा भलाई से प्रेम करें। आज एक और पर्व हम मनाते हैं, हमारे भारत देश का गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, हम उसकी याद करते हैं। आज विशेष रूप से हम अपने देश के अधिकारियों के लिए, हमारे देश की जनता के लिए प्रार्थना करें कि हमारे भारत देश में जितने भी लोग रहते हैं उनमें आपसी प्रेम बना रहे हैं। अनेक प्रकार के धर्मावलंबी जो इस देश की शोभा बढ़ाते हैं उनमें आपसी सामंजस्य हो, वे एक दूसरे का आदर और सत्कार करें। सब लोग मिलकर एक ऐसे राज्य की स्थापना करें जिसमें प्रेम हो, आनंद हो, शांति हो। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का वचन जिसे हमने सुना है, ये वचन हमारे और आपके जीवन में शांति प्रदान करे और हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। हम सत्य को पहचाने और सत्य हमें आजाद करे। और सत्य क्या है? प्रभु यीशु सत्य है, उसकी शिक्षा सत्य है, उसकी शिक्षा में अनंत जीवन का संदेश है।
जो उसे ग्रहण करते हैं, जो उस पर चलते हैं, वो ईश्वर से प्रेम करते हैं। और प्रभु ये कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी शिक्षा पर भी चलोगे, मेरा आदर करोगे। जैसा मैंने किया तुम वैसा ही करोगे। मैंने दूसरों को क्षमा किया, इसलिए तुम लोग भी जाकर एक दूसरे को क्षमा कर दो। देश के कोने कोने में जाकर बताओ कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया है। देश के कोने कोने में हर एक व्यक्ति को ये बताओ कि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में कौन से अपूर्व चिन्ह और चमत्कार किए हैं। लोगों को सत्य के विषय में बताओ। आज के वचन के द्वारा मेरे और आपके जीवन में और परिवार में शांति आ जाए। हम प्रेम से प्रेरित होकर सत्य बोलें और इस तरह मसीह की परिपूर्णता को प्राप्त करें। आमीन। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, आज विशेष रूप से हम अपने भारत देश के लिए, जो अपने गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ मनाते हैं, और सभी भारतवासियों के लिए, नागरिकों के लिए, शासकों के लिए, प्रशासकों, अधिकारियों के लिए विनती करते हैं, हे प्रभु इन्हें सत्य से अवगत कराने की कृपा कर। हमारे देश का हर एक देशवासी, हे पिता ईश्वर, आपके वचनों को सुने और समझे, सत्य को पहचाने और ये सत्य इन्हें आजाद कर दे। जितने भी लोग आज का ये वचन सुन रहे हैं, हे प्रभु यीशु, इनके जीवन में तेरी महिमा हो जाए। मैं विश्वास करता हूं कि तू अपनी प्रजा को प्यार करता है। आज तेरे इन बच्चों के जीवन पर अपनी आशीष और कृपा बरसा दे और इनकी संतानों को अपने पवित्र अभिषेक से भर दे। तेरा वचन हमारे पांव का दीपक है, हमारे मार्गों में, रास्तों में ये उजाला करे और हमारे जीवन को प्रशस्त करे। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, जो इस वाणी पे है चलता जो इस वाणी पे चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।